हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम व्हाट्सएप से फ़ोटो निकालते हैं, क्योंकि जो हम फ़ोटो निकालने का काम करते हैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लोग बाहर रहते हैं और उनके जो घर वाले हैं उनको फ़ोटो निकलवाना चाहते हैं, तो उस समय हमें जो उन्होंने व्हाट्सएप फ़ोटो मंगाया है बाहर से उसी को हमको प्रिंट करके देना होता है। तो हम कैसे करते हैं इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप से फ़ोटो निकालने के लिए पहले तो आप उसका अपने पीसी में उसको ले लीजिए, व्हाट्सएप फ़ोटो को जैसे लें ना। उसको लेने के बाद वो फोटो दूसरा फॉर्मेट होता है। अगर हमारा जो फोटोशॉप है वो 2018 वर्जन से ऊपर है तो उसमें से तो डायरेक्ट आप उस फोटो को ले जाकर डायरेक्ट बना सकते हैं, परंतु अगर वो तो हमें उस फोटो को पहले जेपीईजी में बदलना पड़ता है। उसके लिए आप पेंट खोलिए, पेंट में उस फोटो को ले जाइए और उसको जेपीईजी फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। सेव होने के बाद हम उसे फोटोशॉप में लाएंगे और उसको काम करेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक फ़ोटो को अपने पीसी में ले रखा है और इसको पेंट में ले जाकर जेपीजी बदल के इसको हम मैंने सेव करके रखा है। देखिए दोस्तों, ये हमारा फोटो है जो बेबी का है, इसको हम बदलाएंगे। इसमें क्या हम कर सकते हैं देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके फोटो पर अभी हमें जो सियान कलर है, ब्लू कलर इस पर चढ़ा हुआ है ज़्यादा उस पर फोटो के ऊपर, तो इसको कम करने के लिए कंट्रोल एम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो ब्लैक वाला टूल्स है, सिंपल टूल्स, इसको क्लिक करेंगे और इस जहाँ पर सबसे ज़्यादा जहाँ ब्लैक है जो होना चाहिए उस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा ब्लैक है, इसमें बाल को ब्लैक होना चाहिए, इस पर क्लिक किए। देखिए हमारा कलर किस तरह से चेंज हो गया, तो इसमें जो ब्लू टोन था वो बिल्कुल हट गया और जो कलर था वो हमारे सामने निखर के आ गया। ओके, तो देखिए किस तरह से इसका कलर मैंने एक ही क्लिक में इसका ठीक कर दिया। अब इसको हमको करना क्या है, दाग धब्बा हल्का फुल्का हो तो इस टूल से हम ख़त्म कर देंगे, स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल से। थोड़ा सा जख्म का जैसा इसको क्लिक कर दिए, थोड़ा साफ कर दिए, यहाँ पे थोड़ा साफ कर दिए, ठीक, इतना हमारा हो गया काम। इसको दोस्तों हमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है, हमें तो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है ही नहीं, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेते हैं। साइज जो साइज में बनाना से बनाते हैं पासपोर्ट साइज, साइज उसको क्रॉप कर लीजिए बिल्कुल 50% से, चेहरा 50% बॉडी होना चाहिए पासपोर्ट साइज में। इसमें हमने कर दिया, इसको थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं फ़ोटो में। तो इसको हम जाएंगे फिल्टर में, फोटो टूल्स में इसकी फाइल जो मेरे पास पड़ा हुआ है इसी से मैं इसको हल्का सा इसको एडिटिंग कर देता हूँ। अगर ये आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, अगर वहाँ ना मिले तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे देखिए स्मूथिंग हाई पर क्लिक करें कहीं और थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, थोड़ा सा शेडो और थोड़ा सा हाईलाइट भी इसको देते हैं और थोड़ा सा देखिए दोनों फोटो में आपको फ़र्क अभी दिख जाएगा, थोड़ा कितना फर्क पड़ गया फोटो में, आपको सिंपली ओके कर देंगे। देखिए तो ये इस तरह का मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखा दिया कैसे हम फोटोशॉप पर व्हाट्सएप के फ़ोटो को बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको अब जिस जिससे आपको 6 फोटो में प्रिंट करना हो, 8 फोटो प्रिंट करना, 16 फोटो प्रिंट करना, उस तरह से अपना पेज बना के कर लीजिए। अगर वो सब आपको नहीं आता है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स के नीचे लिख दीजिए कि मुझे 6 फोटो बनाना, 12 फोटो बनाना, 4x6 में 12 फोटो कैसे बनता है, 6 फोटो कैसे बनता है, 8 फोटो कैसे बनता है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। हालांकि ये जनरल चीज़ है, सबको आता है, तो अगर नहीं आता हो तो आप बोलिएगा, मैं आपको इस पर वीडियो बना के डाल दूँगा, आप देख के सीख सकते हैं।
इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ।